हेलो, आप लोग कैसे हो? आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बहुत दिन के बाद आपसे चिटचैट के ऊपर बात हो रही है। तो आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग, और कुछ बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के बारे में। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पहले हम अपने बारे में बात करेंगे, जो लोग बोलते हैं डाइटिंग में इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लास्ट में बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के लिए। और बहुत सारे लोगों को ये आता है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन कभी उनका मन लगता है, कभी उनका मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, तो वो हमें समझना चाहिए, तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम टॉपिक लेते हैं डाइटिंग। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन पर बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में बोलते हैं कि दो दो घंटे का फास्ट रखो या चार चार घंटे का फास्ट रखो, दिन के चार मील खाने चाहिए, दिन के पाँच मील खाने चाहिए। अगर हम पुराने दौर में जाएं तो अगर उस समय आपने देखा होगा कि जब हम गांव में कुछ लोग रहते हैं, और हम भी गाँव में रहते थे पहले, तो वहाँ जो हमारा खान पान था वो बड़ा सिंपल था। पहले तो हम क्या मॉर्निंग में जल्दी उठते थे, वहाँ पर 5:30-6 बजे नींद खुल जाती थी। वो 5:30-6 बजे नींद खुलने के बाद में जो भी हमें काम करना है उसके बाद में लोग अक्सर सीधे क्या करते थे, खेत पे चले जाते थे। खेत पे कैसे जाते थे? थोड़ा बहुत खाना लेके चले जाते थे खेत पे, कि भाई खेतों में चले गए या मजदूरी करने चले गए, जहाँ पे भी जाना है लोगों को, तो वो 2 रोटी लेके गए, सब्जी लेके गए वहाँ पे खेतों में काम करने के बाद में। वो मॉर्निंग का ही वर्कआउट था उनका। फिर वो 7:30-8 बजे जो उनको टाइम मिलता था तो वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप देखोगे तो फिर बाद में उनके लिए लंच आता था। लंच कितने बजे करते थे? वो 10:30-11 बजे तक लंच करते थे, बिकॉज उनका ब्रेकफास्ट जो था वो 7:30-8 बजे तक हो जाया करता था जनरली। तो उसके बाद में लंच 12:30-12 बजे तक, फिर उसके बीच में कुछ भी नहीं खाते थे। फिर वो शाम को आएंगे, शाम को आने के बाद में 6-7 बजे तक अपना डिनर करके 10 बजे तक हो जाते थे। यही हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग है जो हम पुराने समय से उसको फॉलो करते आए हैं। अब लोगों ने इसका मायना चेंज कर दिया है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग को दूसरे तरीके से लोग आप इसको, अगर आपका शरीर मांग रहा है कि मुझे खाना खाना है तो आप खाना खाइए, भले वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई अभी आज मैंने ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, दैट्स मीन्स मन नहीं का मतलब नहीं है कि आपके पेट को रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपके शरीर को उस समय उस एनर्जी या उस खाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। अगर वही चीज़ आपको लगता है कि भाई मुझे अभी खाना है, अभी मुझे मेरे शरीर के लिए ये फूड ज़रूरी है, या मेरा शरीर मांग रहा है कि नहीं यार बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है, मैं हंग्री हूँ, तो आप उस समय वो फूड को ले। वैसे ही अगर लंच में आपको अगर खाना है, भूख लग रही है आपको, कितनी रोटी खानी है आपको, एक खानी है, दो खानी है, वो अकॉर्डिंग टू आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे छोटे छोटे मील्स लेने हैं, किसी को डायबिटिक है कोई, वो तो उसकी नेसेसिटी है, शरीर की रिक्वायरमेंट है कि हमें डायबिटीज़ में छोटे छोटे मील्स लेने हैं, 3 बार खाना खाना है, डॉक्टर ने हमें बोला है कि आप छोटे छोटे मील लेते रहिए, वो है उसकी रिक्वायरमेंट, तो उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। बट जो नॉर्मल इंसान है और जो अपनी डाइटिंग में फॉलो कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से उनको फॉलो करें। अब एक और बात, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, बॉइलिंग फूड ही खाना है मुझे, बॉइल फूड आप खाइए, फ्रूट्स ही खाने हैं ओनली मुझे, फ्रूट्स भी आप खाइए। 6 महीने में आप अपना 10-15 kg वेट कम कर सकते हैं ये करने से, नो डाउट। लेकिन क्या आप ये हर समय बॉइल फूड खा पाएंगे उसके बाद में, ये भी आपको देखना है। क्योंकि जब ये फूड आप छोड़ोगे उसके बाद में जो आपका वेट गेन होगा, तो वेट गेन उस हिसाब से होगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर तो मैं सोचोगे यार मैं अगर अपना पहली फूड हैबिट मैंने अभी सही कर ली होती तो आज मुझे इसका सामना ना करना पड़ता। तो इसलिए डाइट आप करें, नॉर्मल डाइट लें आप अपनी। नॉर्मल डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है वो, ज़्यादा बाहर का ना खाएं। दिक्कत ये होती है कि हम
बोलते हैं कि यार बाहर का खाना खा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम तो जोमेटो से मंगा रहे हैं, स्विगी से मंगा रहे हैं। आप खाइए, हफ्ते में एक बार खाइए, दो बार खाइए, लेकिन जोमेटो स्विगी भी तो बाहर का ही है फूड। कोई बोलता है होममेड फूड्स है, होममेड फूड्स आता किस में है? आप ये देखिए, होममेड फूड्स आता है प्लास्टिक में। अब वो आते आते ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला या होम वाला जो फूड को पैक करता है वो प्लास्टिक के बैग में आपको डाल के देता है। उसमें जो प्लास्टिक का डब्बा होता है, जब उसके अंदर गरम गरम फूड डाला जाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, वो आपको आज समझ में नहीं आएगा आपको। फिर आता है घर पे, ठंडा हो जाता है तो आप उसको माइक्रोवेव में गरम करते हैं, और माइक्रोवेव में प्लास्टिक के साथ ही गरम करते हैं आप, तो वहाँ पे भी वो केमिकल का रिएक्शन होता है आपको, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। बाहर का खाना है आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप देखेंगे कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर खाना बना पा रहे हैं घर पर तो आप घर पर ही खाना लीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस रखिए कि जितना ज़्यादा हो सके घर का खाना खाएं, नहीं है तो आप आपकी इच्छा से आप जो भी लाइट फूड ले सकते हैं वो लाइट फूड आप लें। ये तो बात हो गई हमारे इंटरमीडिएट फास्टिंग की। अब बहुत सारे लोगों के साथ में आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि बोलते हैं सर हमारे बच्चों की हेल्थ का हम क्या करें। बच्चे एक्चुअली कोविड के टाइम में बच्चे घर में रहे हैं तो उनकी फूड हैबिट ऐसी हो गई है कुछ कुछ बच्चों की कि उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चों के लिए इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, क्योंकि जब अब उनका स्कूल चालू हो गया है, स्कूल अब वो 7 बजे निकलेंगे और दोपहर में 1-2 बजे तक आएंगे तो उनकी कैलरी तो वैसे ही बर्न हो जानी है, और इतना खेलते हैं बच्चे तो उनको इससे कोई डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप उस लेवल में आ जाएंगे 4-6 महीने में या 10 महीने में जो उनको लेवल चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जैसे हमारा उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, अब हम क्या करें। सीधा सिंपल, बच्चों को एक्सरसाइज तो आप जोर जबरदस्ती करा नहीं सकते, तो आप उसको क्या करें, बच्चों को बच्चों के फॉर्म में ही एक्सरसाइज कराएं। जैसे शाम को उनके पास टाइम है, आपने म्यूज़िक लगा दिया, बोले बेटा डांस कर लो, अगर वो आधा घंटे डांस कर लेते हैं तो आपको पता है कि डांसिंग में कितनी कैपेसिटी है। आप उनको अच्छा म्यूज़िक लगा कर डांस कराएं। ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब डांस करने के बाद में उनको जंपिंग कराएं, जंपिंग जैक कराएं, अपने पैरों पे जंपिंग कराएं। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है उनको, धीरे धीरे एक्सरसाइज डालने की जरूरत पड़े। अब उनका ब्रेन पावर जो बढ़ाना है आपको, कुछ बच्चों की बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन कुछ बच्चे शैतान होते हैं बहुत ज़्यादा, अब उनका मन ही नहीं लगता किस चीज़ का काम करने में। तो एक सहज योग मेडिटेशन में बड़ी अच्छी बात की है कि जो हमारा सेकंड चक्र होता है वो होता है हमारा ब्रेन चक्र। ब्रेन चक्र उसका नाम नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो चक्र जो है वो आपकी क्रिएटिविटी बताता है। सेकंड चक्र नाम बात बताऊंगा मैं आपको, पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज सुन लें। वो चक्र क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज बताता है, आपकी क्रिएटिविटी दर्शाता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर, आपका माइंड कितना अच्छा चलता है। हो गया जी ये एक बात। अब जितनी भी कैपेसिटी आपके अंदर पढ़ने की, लिखने की, क्रिएटिव राइटिंग की, क्रिएटिव वर्क करने की, थिंकिंग पावर है, वो हमें उस चक्रा से मिलती है, सेकंड चक्रा से। अब जैसे हम संगीत सुनते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि जो सेकंड चक्रा से है उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है या फिर माइंड को थोड़ी सी शांति पहुंचानी है आपको, तो उसके लिए यमन राग, आप अपने बच्चों के लिए यमन राग लगाएं। यमन में वोकल नहीं लगाना, ओनली इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में सरोद हो गया, फ्लूट हो गई या फिर तानपुरा हो गया, ये राग लगा के उनको हेडफोन लगा के दें और उनको 10 मिनट डेली सुनाएं, और आप इसका मैजिक देखें क्या मैजिक होता है। उनका माइंड शार्प होगा, माइंड शार्प होने के साथ साथ वो क्रिएटिव होंगे, उनको नींद अच्छी आएगी, और बच्चे जितने ज़्यादा सोएंगे उनकी क्रिएटिविटी उतनी ही बढ़ेगी, उनका दिमाग उतना ही लगेगा पढ़ाई में। और जो भी चीज़ करते हैं, वो संगीत करते हैं या फिर वो अपनी राइटिंग कर रहे हैं या लिख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ में उसका मन लगेगा,
बाकी इंटरेस्ट जगाना आपका काम है उनका, कि भाई अगर उनको चेस सिखाना है तो आप उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में कैसे बढ़ाएं, उसके लिए वो आपको काम करना पड़ेगा। बट यस, यमन राग की मेथड जो है आप एक बार उसको ट्राई करें, और हो सके तो उनको भी आप बोलें कि अब बेटा स्कूल जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन पे बैठाएं उनको। बच्चे बैठते नहीं हैं, अगर बड़े बैठेंगे तो बड़ों के देखा देखी बच्चे भी बैठेंगे। 5 मिनट सुबह बिठाएं और 5 मिनट शाम को बिठाएं, और एक बार sahajyoga.org पे जाके एक बार चेक करें। बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, उनके एग्ज़ाम में बेनिफिट होता है, उनकी हेल्थ में बेनिफिट होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी आपकी, ये सब है। अब हम बात कर रहे थे कि वो चक्रास का नाम क्या है, आपने गेस किया? अगर आपने ऑनलाइन सर्च किया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो मैं तो बताती हूँ। सेकंड चक्रा को बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारे क्या होता है कि ब्रह्मदेव सरस्वती जी का चक्र होता है, वो सारी क्रिएटिविटी ज्ञान सब कुछ यहीं से मिलता है हमें। तो इसके लिए आप बच्चों को यमन राग की मेथड से एक बार ट्राई करें कि उनको ये यमन राग सुनाएं, उनको लाउड ना हो ज़्यादा, कानों में हेडफोन लगा दो आप उनके, ओनली 10 मिनट से ट्राई उसको चालू करें, 10 मिनट से ज़्यादा ना करें, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे यार नहीं करना, ठीक है। एक्सरसाइज हम लेके आएंगे बच्चों के लिए, बट बेस्ट एक्सरसाइज तो ये है कि आप शाम को 15 मिनट म्यूजिक लगा दें, चलो बेटा डांस कर रहे हैं, आप भी डांस कर लो उनके साथ, आपका क्या जा रहा है। जब आप डांस करोगे तो आपकी एनर्जी भी तो जाएगी, आपकी कैलोरी भी बन लूंगी, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा बच्चों के साथ, उनको भी अच्छा लगेगा, चलो पापा मम्मी डांस कर रहे हैं हमारे साथ में। और मेडिटेशन जरूर ट्राई करें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। कीप फॉलो शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।